आगे बढ़ते हुए बात बीजेपी की लिस्ट की कर लेते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पांचवी लिस्ट आने वाली है और कल देर रात तक चुनाव समिति की बैठक भी चली और बताया ये भी जा रहा है कि 150 उम्मीदवारों की लिस्ट, पांचवी लिस्ट में 150 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। हालांकि संभावना पूरी है कि इस लिस्ट में आज जो नाम होंगे वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का घमासान जारी, सभी सियासी दल इस दौर के लिए अपने बचे हुए उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में जुटे हुए हैं। इस बार खुद को 370 प्लस और एनडीए 400 पार का टारगेट सेट करने वाली भारतीय जनता पार्टी में भी मंथन का दौर जारी है। उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट पर चर्चा के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने दिल्ली में तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा मंथन किया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 7:30 बजे शुरू हुई और बैठक रात करीब 12:15 बजे तक चली। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट जारी कर सकती है। बताया ये जा रहा है कि इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश समेत अन्य कई राज्यों के लगभग 150 उम्मीदवारों के नामों पर आज मुहर लगाई जा सकती है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश की बाकी बची 24 सीटों पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से मौजूदा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री का टिकट कट सकता है, वहीं मेरठ से मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का भी टिकट कट सकता है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जिन बाकी 10 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं वो है गाजियाबाद से अतुल गर्ग, मेरठ से अरुण गोविल को टिकट मिल सकता है, वहीं सहारनपुर से राघव लखन पाल और मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो मेरठ से अरुण गोविल चौंकाने वाला चेहरा हो सकते हैं, जो मशहूर सीरियल रामायण में राम के किरदार में दिखे थे। मेरठ के ही रहने वाले हैं अरुण गोविल और मेरठ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। रामायण सीरियल और कई फिल्मों में काम किया है। फिलहाल राम मंदिर की लहर है, लिहाजा मेरठ में अरुण गोविल के उम्मीदवार बनने से आसपास की सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन 28 मार्च है और जिन 8 सीटों में चुनाव होने जा रहे हैं वो है सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। पहले फेज में पीलीभीत सीट काफी चर्चा में है, जहां से मौजूदा सांसद हैं वरुण गांधी, जिनको लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। आज जारी होने वाली सूची में इस सीट से भी पर्दा उठ जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट वाराणसी से भी मुकाबला तय हो गया है। वाराणसी से पीएम मोदी के सामने होंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की है जिसमें वाराणसी से अजय राय को फिर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। अजय राय ने 2014 और 2019 में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकी थी, लेकिन दोनों ही बार उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच तालमेल नहीं हो पाया है, लिहाजा बीजेपी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने वहां के उम्मीदवार भी तय कर दिए। संबलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को टिकट दिया जा सकता है तो पुरी से पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को टिकट दिया जा सकता है। वहीं भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी को पार्टी उम्मीदवार घोषित कर सकती है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में ओडिशा के बारे में चर्चा हुआ, पॉलिटिकल सिचुएशन, स्ट्रेटेजी, अदर सब चर्चा हुआ, फाइनली निर्णय सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगा। महाराष्ट्र की नागपुर सीट से नितिन गडकरी का मुकाबला कांग्रेस के विकास ठाकरे से होगा। नितिन गडकरी ने खुद की जीत पर भरोसा जाहिर किया है। मुझे पूरे विश्वास से लग रहा है कि निश्चित रूप से मैं इस चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतूंगा। मैंने टनल्स बनाए, एक्सप्रेस हाईवे बनाए, बड़े बड़े ब्रिज बनाए, गंगा पर 11 ब्रिज बनाए।
तो जो मैंने कुछ काम किया है उसका श्रेय मेरे सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों को। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 4 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिनमें 292 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। पहली सूची में 195 नाम घोषित किए गए थे, फिर 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी गई थी। इसके बाद तीसरी लिस्ट में 9 और चौथी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। होली के बाद पहले चरण के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामांकन का काम जोर पकड़ सकता है। ABP News आपको रखे आगे।